हेलो एंड वेलकम टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। देखिए टर्म वन की प्रैक्टिस के लिए हम आज से आपके लिए टारगेट टर्म वन नाम से एक प्रैक्टिस सीरीज ला रहे हैं, जिसमें आज हम आपके लिए 20 एमसीक्यूज की एक वीडियो बनाएंगे, जिसके लिए 6 क्वेश्चन हमने आपके लिए अभी पहले लिख रखे हैं, यहाँ पर इनको हम करके दिखाएंगे। इससे पहले भी हम आपके लिए 6 वीडियोज़ की एक सीरीज इशू ऑफ शेयर और 2 वीडियोज़ हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के पोस्ट कर चुके हैं, जो आपको क्लास 12 के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो देखिए जो पहले 6 क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही सिंपल तरीके से बिना किसी खास कैलकुलेशन के बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता रहे हैं। ए और बी पार्टनर हैं, ए ने 2000 पर मंथ, बी ने 3000 पर मंथ ड्रॉ किए, दोनों ने इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पैसा ड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन ए इज ड्रॉइंग 1300 है, तो इंटरेस्ट ऑन बी इज ड्रॉइंग क्या होगी। देखिए दोनों ने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में निकाला है, तो बिल्कुल ही सिंपल तरीका है निकालने का, इंटरेस्ट ऑन बीज ड्रॉइंग्स। देखिए ए ने निकाला 1300, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड आप छोटी क्लासेस में करते हैं तो उसकी याद करिए, क्योंकि दोनों का सब कुछ सेम है, इंटरेस्ट का रेट तो दिया ही नहीं है, तो वो तो दोनों का बराबर ही होगा, ठीक है। दोनों ने बिगिनिंग में निकाला है, तो 1300 रुपये इंटरेस्ट बनता है ए का फॉर 2000 ड्रॉइंग पर मंथ, इसकी 3000 पर मंथ है, तो ये अपना आराम से आपका निकल के आ जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 650 इंटू 3 1950, तो आपका आंसर होता है सी, ये आपका आंसर है। तो इतनी आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं बिना कुछ खास कैलकुलेशन के। देखिए नेक्स्ट है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ए बी पार्टनर है 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी को 1/5 के लिए उन्होंने एडमिट किया पार्टनरशिप में, ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, देयर न्यू PSR वुड बी, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहली बात सर्टेन है कि आपने नया पार्टनर 1/5 प्रॉफिट के लिए कह के लिया, तो आप देखिए इसमें से किस किस में 1/5 बन रहा है लास्ट में, तो जिसमें नहीं बन रहा वो रूल आउट हो जाएंगे। इसमें 1/5 बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें 2/10 यानी कि 1/5 बन रहा है, तो इसमें नहीं बन रहा ये रूल आउट हो गया, यानी कि ये तो आपका आंसर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब 1/5 तो 3 में बन रहा है ना, तो अब आपको उसमें से बचाना पड़ेगा कि उन 3 में से कौन सा आंसर है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हमने एक को रूल आउट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा कि ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। तो अब आप देखें इन 3 में इक्वल किस में है रेशियो इनका, इसमें 5:3 है, इसमें 3:1 है, इसमें 2:2:1 है, इसमें बराबर, तो इसका आंसर आपका ए हो गया, तो आंसर इज ए। तो ये इतनी आसानी से आप छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनसे बहुत ही सरलता से आप एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए एम एंड एन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में, देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, कैपिटल 2 लाख 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन ए लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना ही पड़ेगा भले ही फर्म को नुकसान ही क्यों हो जाए, ठीक है। प्रॉफिट 1500 रुपये है, वट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू एम्स कैपिटल, तो बताइए कि कितना प्रॉफिट या लॉस एम के कैपिटल में जाएगा। तो पहले आप क्या करें, इसमें IOC कैलकुलेट कर लें, तो IOC देखे कितना निकलेगा, ए की कैपिटल कितनी है, एम की कैपिटल 2000 है, तो इसका 6% निकलेगा 12000 रुपये, ठीक है ना, 6 × 2 = 12, इसका 1 लाख है तो इसका 6% निकलेगा 6000 रुपये, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ रहा है 18000 रुपये, प्रॉफिट आपके पास है 15000 रुपये, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है प्रॉफिट से, लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, भले ही नुकसान क्यों ना जाए फर्म को देना पड़ेगा आपको, तो फिर दे दीजिए आप। तो क्या होगा, जब आप 18000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और प्रॉफिट 15, तो 3000 का आपको लॉस होगा, तो क्या होगा, लॉस 3000, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका 3000 हो गया। अब देखिए 3000 लॉस हुआ, अब इसमें वो जाएगा एम के अमाउंट कैपिटल अकाउंट में क्या पैसा जाएगा, तो एम का रेशियो कितना है 3/5, तो इंटू 3/5, 5 × 6 = 18, 1800 लॉस हो गया, ठीक है ना। अब लॉस क्या ठहर जाएंगे, लॉस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, लॉस होता है डेबिट, तो 9000 नहीं है, 12000 नहीं है, 1800 दो दे रखे हैं, क्रेडिट डेबिट, तो ये वाला आंसर है डेबिट, 1800 रुपये डेबिट, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, सी। तो ये आपके 3 पार्ट हो गए इधर के, आइए चौथे में चलते हैं। MN पार्टनर है, वही क्वेश्चन दोबारा, लेकिन टाइप बदल गया, उसमें आपको 4 जन प्रॉफिट था कि देना ही पड़ेगा भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन यहां पर एप्रोप्रिएशन वाला है। देखिए MN पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में, कैपिटल 2 लाख 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, प्रॉफिट 15000 है, व्हाट अमाउंट वुड बी
व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन एम्स कैपिटल, तो एम की कैपिटल पर इंटरेस्ट क्या होगा, वही चीज़ है। लेकिन आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन हमने दोबारा बनाया ये समझाने के लिए कि एप्रोप्रिएशन में और चार्ज में फ़र्क क्या है। चार्ज में आपको देना ही पड़ेगा, भले ही नुकसान क्यों ना हो जाए, तो आपको लॉस बता दिया कितना आएगा, इसमें आप उतना ही इंटरेस्ट देंगे जितना आपको प्रॉफिट है। तो आईओसी जब सेम क्वेश्चन है तो आईओसी तो इसमें भी 18,000 आएगा दोनों को मिला करके, और प्रॉफिट इसमें भी आपको 15,000 ही दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें पूछा गया आपसे कि एम को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो एम को इंटरेस्ट मिलेगा 15,000 में से ऑन द बेसिस ऑफ इस कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो आप क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन एम्स कैपिटल 15,000 आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते क्योंकि एप्रोप्रिएशन वाला क्वेश्चन है, और कैपिटल इनकी 2,00,000 एक लाख, तो एम की 2,00,000 है तो 2/3 कैपिटल रेशियो 2:1 होगा, तो ₹10,000 3 से आप ऐड करेंगे 5 5 2 10 तो 10,000 रुपये। तो आंसर आपका हो गया सी, तो आंसर इज सी। तो इतनी आसानी से आपका आंसर निकल कर आ गया। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो कि बिल्कुल बेसिक्स हैं, अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो टारगेट को आप हिट कर देंगे। नाम भी है टारगेट टर्म वन। देखिए नेक्स्ट, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 में, बी इज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 40,000। एबीसी पार्टनर है 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, बी को मिनिमम प्रॉफिट 40,000 रुपए की गारंटी मिली है, प्रॉफिट 1,50,000 हुआ, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू बी वुड बी, तो कितना प्रॉफिट बी को मिलेगा। तो पहले तो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट जितना अवेलेबल है उस पर बी का रेशियो अप्लाई करके देखते हैं आता कितना है, कम आता है या ज्यादा आता है। तो प्रॉफिट टू बी, तो देखिए 1,50,000 रुपए प्रॉफिट हुआ टोटल, इसमें बी का शेयर कितना है 3:1 यानी कि 2/6 तो ₹50,000, तो मिनिमम 40,000 की गारंटी है, तो मिनिमम देना 40, ये नहीं है कि उससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो आपका ज्यादा रहा तो ज्यादा देंगे आप, तो आंसर आपका बी होगा। तो आंसर इज बी, ये आपका आंसर हो गया। ये 5 क्वेश्चन हो गए। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 में, डी को एडमिट किया न्यू पार्टनर, डी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, 3/5 फ्रॉम बी एंड 1/5 फ्रॉम सी। डी ने अपने प्रॉफिट में से 1/5 ए से, 3/5 बी से और 1/5 सी से लिया। तो पूछा है कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो वुड बी, सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होगा। तो देखिए डी का रेशियो तो दिया भी नहीं है, दिया होगा तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, लेकिन मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही वैसे भी आ जाएगा, यानी कि जितना डी ने उनसे लिया वही उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो किस रेशियो में लिया, 1/5 3/5 1/5, यानी कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो गया 1:3:1। तो आंसर आपका हो गया ये ए, तो आंसर ए। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जिस रेशियो में डी उनसे एक्वायर कर रहा है उसी रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वही सेक्रीफाइजिंग होगा 1/5 1/5 3/5 1/5, यानी कि 1:3:1, ये वाला आंसर। इनमें से कोई आंसर नहीं, केवल ये वाला आंसर है। तो ये 6 क्वेश्चन का हमने एक सेट कर दिया, अब हम दूसरा सेट 6 क्वेश्चन का लेके आते हैं। देखिए अब इस सेट में आपके लिए 8 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ से शुरुआत करते हैं। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 में, बी रिटायर हुआ और उसका गुडविल में जो शेयर था वो ए ने पे किया 27,000 रुपये और सी ने पे किया 18,000 रुपये। तो आपसे बोल रहे हैं कि ए और सी का गेनिंग रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जिसने जितना पेमेंट किया रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को गुडविल में, उतना ही उसका गेनिंग रेशियो होगा। तो किसने कितना पे किया, तो ए ने पे किया है 27,000 रुपये और बी ने, सी ने पे किया है 18,000 रुपये। टोटल पेमेंट कितना हुआ, 27,18 45,000 रुपीज़। तो ये इनका रेशियो निकल आएगा कि बी का गुडविल में शेयर किस रेशियो में उन्होंने पे किया है। तो 3-3 0 कैंसिल हो गई, 9-3 जा 9-5 जा 9-2 जा 9-5 जा, तो 3:2 इस रेशियो में उन्होंने पे किया है, तो इसी रेशियो में इनको गेन होगा। तो यानी कि बी पार्ट इसका आंसर हो गया, तो आंसर इज बी। तो जितना जिसने पेमेंट किया उतना उसको गेन हो गया, इसका 27,000 पेमेंट किया, इसका 18,000 किया, तो 3:2 में पेमेंट किया, तो 3:2 में ये बी के रेशियो को गेन कर लेंगे। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 में, जेड रिटायर हुआ, गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स इज 3/10, व्हाट वुड बी द न्यू रेशियो ऑफ वाई। देखिए रिटायर हुआ जेड और एक्स को गेनिंग रेशियो एक्स का है, यानी कि एक्स ने गेन करा है 3/10 उसके जाने के बाद। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वाई का न्यू रेशियो क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, पहले एक्स का न्यू रेशियो फाइंड करें। तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स,
एक्स का ओल्ड रेशियो है 5/10, जितने इसने गेन किया उसका जोड़ दो उसका रेशियो बढ़ जाएगा उतना, तो 8/10 एक्स का न्यू रेशियो हो गया। लेकिन हमें एक्स का नहीं वाई का बताना है, तो न्यू रेशियो ऑफ वाई, देखिए जेड तो चला गया, एक्स और वाई पार्टनर है अब, तो एक्स का मैं पता चल गया न्यू रेशियो 8/10 है, तो वाई का कितना होगा 1-8/10, तो 2/10 होगा वाई का। तो इतना सिंपल, बिल्कुल वाई का रेशियो सी, सॉरी वाई का रेशियो डी 2/10, तो आंसर इज डी। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट उनके बिजनेस का पिछले 3 साल का जो कि 31 मार्च 2014-15-16 से रिलेटेड है, आपको दिया हुआ है 2,00,000-2,54,00,000 पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो एंड हो रहा है 31 मार्च में 2014-15-16 में इज रिस्पेक्टिवली 2,00,000-2,54,00,000, 2,00,000, 2,50,000 और 4,00,000 2014-15-16 के। सी को एडमिट करना चाह रहे हैं और इस पर्पज़ के लिए वो गुडविल को वैल्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि 2015 का क्लोजिंग स्टॉक जो है इट वॉज ओवर वैल्यूड बाई 40,000, 40,000 रुपये ओवर वैल्यू हो चुका है क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आपसे वो पता करना चाह रहे हैं कि करेक्ट प्रॉफिट अब क्या होगा। तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्रेडिट साइड में होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर आपने 11th का आपको याद हो, 11th में क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लेते थे, क्रेडिट साइड रिलेट्स टू इनकम, तो क्रेडिट साइड इनकम की होती है, तो वहां पर आपने उसको ओवर वैल्यू किया तो आपका प्रॉफिट अननेसेसरीली बढ़ा हुआ, आप उसको कम करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट 40,000 रुपये घट जाएगा। तो यानी कि पहला तो बात यह है कि जो 2015 का प्रॉफिट है कम हो जाएगा, 2010 रह जाएगा। तो देखिए 2010 किस में, इसमें नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, नहीं अच्छा इसमें तो ये तो इसमें है, ठीक है इसमें नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, इसमें इन दोनों में बी और डी में, क्योंकि जिस उसको प्रॉफिट को आप कम करेंगे 2015 के तो कितना हो जाएगा 2,10। लेकिन क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 2016 में, फिर आ जाएगा वो डेबिट साइड में, वहाँ कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसका मतलब 4,00,000 प्रॉफिट था तो 4,40,000 हो जाना चाहिए, तो देखिए 4,40,000 किसमें, इसमें, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा बी। तो आंसर बी, बिल्कुल सिंपल तरीका निकालने का, क्लोजिंग स्टॉक को अगर ओवर वैल्यू किया तो अब आपको कम करना पड़ेगा, तो जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है वहां पर तो आपका प्रॉफिट घट जाएगा उतने अमाउंट से, लेकिन नेक्स्ट ईयर का उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर वो डेबिट में आ जाएगा ना, तो डेबिट में भी कम करना पड़ेगा आपको, तो डेबिट कम होगा तो वो लॉस की साइड है, लॉस कम का मतलब प्रॉफिट हो गया, तो आपका आंसर होगा बी, जिसमें ये प्रॉफिट कम हो गया ये वाला प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया, तो आंसर आपका बी हो गया। देखिए 10th क्वेश्चन, इफ गुडविल इज 120, एवरेज प्रॉफिट 60, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 480, व्हाट वुड बी द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी कि एक फर्म की गुडविल 1,20,000 रुपये है, एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, नॉर्मल रेट 10% है, कैपिटल एम्प्लॉयड 480 है। तो आपसे पूछा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, तो हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, हमें केवल एवरेज प्रॉफिट से निकाल देंगे इसको। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/10, तो ₹6,00,000, ये आ गया आपका आंसर, आपका ए पार्ट है, आंसर इज ए। आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो कैपिटलाइज वैल्यू 6,00,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 480, दोनों का डिफरेंस 120 जो कि गुडविल होता है, तो यानी कि सही आंसर आपका। नेक्स्ट देखिए, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में, दे एंटाइटल फॉर आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट प्रॉफिट वॉज नॉट सफिशियंट टू अलाउड आईओसी। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंटाइटल्ड हैं, लेकिन प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, जिसके फुल एक्सटेंट तक दे सके इतना प्रॉफिट नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है प्रॉफिट कम है। चूज करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अलाउ इंटरेस्ट टू फुल एक्सटेंट, जितना इंटरेस्ट बनता है दे दो, डिस्ट्रीब्यूट फुल प्रॉफिट इन 2:1 या पूरा प्रॉफिट 2:1 में बांट लीजिए जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आईओसी विल नॉट बी अलाउड या आईओसी देंगे नहीं, आईओसी विल बी अलाउड इन कैपिटल रेशियो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, या फिर आईओसी को कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए, दो आपके पास टाइप है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीट करने के लिए, दो कंडीशन या सिचुएशंस हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट पर और जब चार्ज होता है। तो यहाँ ऐसा तो नहीं लिखा कि देना ही पड़ेगा, यानी कि अप्रोप्रिएशन अगर नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट अप्रोप्रिएशन होता है, तो अप्रोप्रिएशन होता है तो जब प्रॉफिट को एक्सीड कर जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट ही देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इन कैपिटल रेशियो, तो आंसर आपका होगा डी।
आंसर इज डी, यानी कि आपको प्रॉफिट जितना है वही कैपिटल रेशियो में बांटना पड़ेगा। आईओसी विल बी अलाउड इन कैपिटल रेशियो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट है द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ, पार्टनर का फर्म के साथ क्या रिलेशन होता है, एजेंट का, ओनर का, बोथ एजेंट एंड ओनर या फिर मैनेजर, तो दोनों होते हैं। आंसर इज सी, पार्टनर ओनर भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं एक दूसरे के, तो ओनर एंड एजेंट दोनों। देखिए शेयर्स ऑफर्ड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एट ए डिस्काउंट फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड, यानी कि कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉइज को जो शेयर ऑफर करती है डिस्काउंट पर, किस लिए, जो वो उनको नो हाउ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि अपनी जो नॉलेज शेयर करते हैं उनके साथ उसके लिए देती है, उसको ESOP कहते हैं, स्वेट इक्विटी कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं या फिर IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो इसका आंसर है स्वेट इक्विटी, तो आंसर हो गया आपका बी। लास्ट है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ बिजनेस इज 10%, एक बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इट हैज़ बीन अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल से यह 80,000 प्रॉफिट कमा रहा है, विच इज 30,000 मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट से 30,000 ज़्यादा है, वट वुड बी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी। देखिए ये 80,000 प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है, 30,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ, 80 - 30 यानी कि 50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, अभी ऊपर बताया था आपको 100 upon रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो ₹5 लाख, तो आंसर हमारा हो गया 5 लाख, यानी कि आंसर सी। तो इतना आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इनको कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली। अब देखिए एक और सेट, इसमें अभी 6 क्वेश्चन का वास्ते है, 20 क्वेश्चन का पहला वीडियो है ये, देखिए लास्ट पार्ट, 6 क्वेश्चन इसमें है। 15वां क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 3,000 शेयर ऑफ ₹20 ₹15 कॉल्ड इशूड टू ए ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ₹7। देखिए क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड ने 3,000 शेयर ₹20 गए जिसमें ₹15 कॉल किए गए हैं, ए को इशू किए थे उनको फॉरफिट कर दिया क्योंकि उसने हमें ₹7 अलॉटमेंट नहीं दिए, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1500 शेयर पर री इशूड टू बी एट 17 एज फुली पेड, और जो शेयर फॉरफिट किए थे उसमें से 1500 शेयर हमने रीइशू कर दिया किसको, बी को ₹17 पर एज फुली पेड, वट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाना चाहिए। देखिए जो शेयर फॉरफिट करके रीइशू कर दिया होता है उस पर जितना हमको प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, तो अब देखिए कैपिटल रिजर्व कितने शेयर आपने इशू किए हैं, 1500, पहले तो बात ध्यान रखिए कि जितने शेयर रीइशू होंगे उन्हीं पर कैपिटल रिजर्व निकलेगा, हमने फॉरफिट 3000 किए लेकिन रीइशू कितने किए हैं 1500 शेयर, 1500, तो 1500 पर निकलेगा। अच्छा देखिए ₹15 कॉल किए हैं और उसने ₹7 में पर शेयर नहीं दिए तो कितना पैसा दिया, ₹8 पर शेयर, तो वो ₹8 पर शेयर प्रॉफिट होगा, ₹8 का यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ, रीइशू पर आपने 17 पर रीइशू किया फुल्ली पेड मान लिया, ₹3 आपने उसको छूट दे दी, तो 8 - 3 ₹5 का प्रॉफिट हुआ आपको, तो 15 × 5 = 75, तो इतना आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, तो आंसर आपका आएगा बी, आंसर बी, तो इसका मतलब बी आपका आंसर है, ₹7500 कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, 1500 शेयर हैं, ₹8 पर शेयर फॉरफिट के लेकिन 3 खर्च कर दिए रिश्यू पर, तो ₹5 पर शेयर प्रॉफिट हुआ, 15 × 5 = 75। एक्स वाई जेड इक्वल पार्टनर है, उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया, 4-3-2 पर आ गए, गुडविल फर्म की 4500 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो सबसे पहले देखिए ये पहले इक्वल पार्टनर थे यानी कि इनका शेयर 1/3 था और अब ये हो गए 4-3-2 यानी कि 4/9 3/9 2/9, तो जो बीच का वाई है ना इसका तो अभी भी 3/9 यानी कि 1/3 है, यानी कि वाई का शेयर पहले भी 1/3 था, अभी भी अगर आप उसका रेशियो सॉल्व करेंगे तो 1/3 ही आएगा, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा उसमें वाई इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ही हैज़ नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, ना गेन क्या ना सेक्रीफाइस क्या, तो ये तो बी रूल आउट हो गया, इसमें वाई इन्वॉल्व हो रहा है, सी रूल आउट हो गया क्योंकि इसमें भी वाई इन्वॉल्व हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक है, जेड टू एक्स या एक्स टू जेड, ठीक है ना, दो तो रूल आउट हो गए, तो कौन सा है। अब देखिए पहले तो एक्स और जेड वाई सब बराबर थे, तो एक्स और जेड बराबर थे,
लेकिन अब एक्स और जेड का रेशियो जो नया क्या है 4:2 यानी कि 2:1, इसका मतलब है कि एक्स का रेशियो अब जो है वो जेड से ज़्यादा है, तो यानी कि एक्स ने गेन किया। तो क्या होगा, एक्स जो गेन करता है वो क्रेडिट डेबिट होता है, तो आपको करना पड़ेगा एक्स डेबिट टू जेड। तो ये डी पार्ट आपका आंसर हो गया, आंसर डी, जो गेन करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल पे करता है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेन कर रहा है एक्स, एक्स डेबिट टू जेड। तो बिल्कुल सिंपल, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक्स आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए 17, एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ए कंपनी कैन अलाउ ऑन इट्स री इशू। देखिए जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है और फॉरफिट करने के बाद उनको री इशू करती है, तो उनके री इशू पर कंपनी कितना डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकती है। देखिए ये ध्यान रखना है कि ये डिस्काउंट वो नहीं है जो आप इनिशियली शेयर इशू करने पर देते हैं, क्योंकि वो तो प्रोहिबिट है कंपनी लॉ की तरफ से कि आप ओरिजिनली शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन जब आप री इशू करते हैं तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तो कितना दे सकते हैं, वो 10% ऑफ द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के 10% के हिसाब से, इक्वल टू अनपेड अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर, या फिर जितना पैसा फॉरफिटेड शेयर का अनपेड था उतना, या फिर इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट जितना आपने फॉरफिट किया, या फिर डिपेंड्स ऑन कंपनीज डिस्क्रेशन, या कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इनमें से आंसर क्या आएगा, इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट, आंसर इज सी। ये क्लियर रूल है कि जितना पैसा आपने फॉरफिट किया आप उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। अगर पर शेयर आपने 3 रुपये फॉरफिट किए तो मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन अलाउ ऑन री इशू इज ₹3। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ कंपनी इज नॉट एग्जिस्टिंग इन इंडिया दो परमिटेड बाई द लॉ, कौन सी कंपनी ऐसी है, कौन सा टाइप ऑफ कंपनी ऐसा है जो लॉ में परमिशन तो है उसको बनाने की, लेकिन इंडिया में वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्या वो OPC है, यानी कि 1% कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाई शेयर्स है, लिमिटेड बाई गारंटी है? तो इसका आंसर है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में बनाने की परमिशन है लेकिन आज तक नहीं बनी है, क्योंकि इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो इसमें कोई भी इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। तो आंसर बी, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट किस हिसाब से बनती है, Schedule 6 Part 1, Schedule 6 Part 3, Schedule 3 Part 2, या फिर Schedule 3 Part 1? तो ये है बच्चों इसका रूल, Schedule 3 Part 1। तो आंसर इज डी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं आपको, ये तो खैर थ्योरेटिकल बातें हैं, आपको वैसे याद हो जाएंगे, जो न्यूमेरिकल बातें वो भी आपको बता रहे हैं, तो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपकी धीरे धीरे होती चली जाएगी। अकॉर्डिंग टू Schedule 3 Part 1, देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी है, अकॉर्डिंग टू Schedule 3 Part 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर अरेंज्ड एज, कंपनीज एक्ट का जो Schedule 3 Part 1 के हिसाब से बैलेंस शीट बनती है कंपनी में, कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है Schedule 3 Part 1 के हिसाब से, उसमें फिक्स्ड एसेट को कैसे अरेंज करते हैं, क्या पहले आता है क्या बाद में आता है, वो आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, आपको लिख के दिया हुआ है, तो देखिए इसमें आपको याद करने का मैं एक तरीका बता दूं, थोड़ा सा फनी है लेकिन आप समझ जाएंगे उसको तो अच्छा रहेगा। देखिए आप TICI, तेंदुलकर इज कैप्टन ऑफ इंडिया, आप इसको ऐसे याद कर लें, हालांकि अब तेंदुलकर कैप्टन नहीं है, पहले था सचिन तेंदुलकर, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तेंदुलकर इज कैप्टन ऑफ इंडिया। तो देखिए टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा आपका। तो देखिए कहाँ है टेंजिबल इंटेंजिबल, ये तो इसमें है, कैपिटल ये आ गया, यानी कि आंसर आपका ये वाला होगा, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल WIP और इंटेंजिबल एसेट अंडर वर्क इन अंडर डेवलपमेंट, तो आंसर इज बी। तो इस तरह से आप याद कर लें, तेंदुलकर इज कैप्टन ऑफ इंडिया। तो ये देखिए आपके सामने 20 क्वेश्चन का पूरा एक हमने टारगेट टर्म 1 नाम से प्रैक्टिस सीरीज बना करके रखी है, इसका पहला वीडियो है ये। इसी तरह से हम अभी इसमें और वीडियोस भी लाएंगे 20-20 क्वेश्चंस के, जिससे कि आपको पूरे सिलेबस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इनको आप करते रहिए अच्छी तरह से, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।